हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है सिर्फ पिछली वीडियो में था वो हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया था, जिसके हमने सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट अपने कर चुके थे हम लोग, जितने भी टाइप्स होते हैं। तो अब हम करते हैं अपना कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, जो हमारे टाइप्स हो गए थे, मतलब जो हमने कंसेप्ट्स थे जितने भी मीनिंग्स वो सब कर लिए थे। अब कंसेप्ट्स में हम टू थिंग्स करते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंसेप्ट। अब शॉर्ट रन में हम लोग टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को करते हैं। अभी हम स्टार्टिंग लेवल से, पूरा इंट्रोडक्शन लेवल से अपने जो कर्व्स हैं, हमें कैसे डायग्राम्स बनाने हैं वो समझते हैं। उसके बाद ही हम जो रिलेशनशिप है, हमारे जो फंक्शनल पूरा रिलेशनशिप है जो हमने करना है, लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म कर्व्स, वो हम कर पाएंगे। पहले हम एक स्टार्टिंग लेवल से इसको लेके चलते हैं। सबसे पहला है हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? पहले तो कॉस्ट ही क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, जो भी जितना भी सामान एक प्रोड्यूसर को जो पड़ता है, जितनी भी इसकी कॉस्टिंग पड़ती है, जितने भी वो बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको हम जो भी एक जो जितने भी वो सामान तैयार होता है, दैट इज़ नोन एज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? सम टोटल, जितने भी कॉस्ट लगी है किसी भी प्रोड्यूसर की, एक जो एक कोई भी एक सर्विस है, गुड है, जो आउटपुट है जिसको हम प्रोड्यूस करने में जो भी लग रही है, एक लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, वो हमारी टोटल कॉस्ट कहलाती है। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट incurred by the producer in order to produce a given level of output. ठीक है, और total cost होता क्या है? Total cost is equal to टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा जो है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब टोटल कॉस्ट के लिए हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता करना है। इट इज़ दैट कॉस्ट जो एक चेंज ही नहीं होती है विद द चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितनी भी कर रहे हैं, उसके चेंज होने से वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इट इज़ that cost which do not change with the change in quantity, that is rent, wages of permanent staff, etc. अब इसके लिए आप एक टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हमारी क्वांटिटी जीरो, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं है, तभी भी हमारा कुछ ना कुछ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, हम इसको 10 मान लेते हैं, तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम, कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम आ रही है। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे, दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? विद चेंजेस, विद द चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज cost of raw material, wages of casual labors, etc. अब इसके लिए हम टेबल और डायग्राम से इसको शो करेंगे। क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4 नॉट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट
हमारी अगर जीरो क्वांटिटी थी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? हमारा कोई भी रॉ मटेरियल नहीं लग रहा, हम कैजुअल लेबर को चाहें तो हम काम कराएं, नहीं तो नहीं, तो ये हमारी जीरो। अब हमने एक क्वांटिटी की अगर हमने प्रोड्यूस करी है 10 हो गया, फिर हम इसको 18 से रेज कर रहे हैं, फिर 24 से, फिर हमने इसको 28 से रेज करा और फिर 34 से। पहले हम डिमिनिशिंग रेट से इसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद हम इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, पहले डिमिनिशिंग रेट से, ये हमने डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज किया और उसके बाद हमने इंक्रीजिंग रेट से। अब ऐसा क्यों? पहले 4 से रेज किया, फिर 6 से किया, एक स्पेसिफिक पैटर्न में ये क्यों रेज होता है, चेंज होता है? इसलिए कि एक जो प्रोडक्शन और कॉस्ट है, इसका जो लॉ होता है, जो इसके बीच का जो एक लॉ होता है, उसमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उनमें दोनों में प्रोडक्शन कॉस्ट में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कैसे कैसे वो एक लेवल तक जाके इंक्रीज हो सकता है, वो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में, प्रीवियस वाले चैप्टर में अपना पढ़ा था। तो उसकी वजह से ये पहले डिमिनिश इंक्रीजिंग जो है, इसका जो रेट होता है इंक्रीमेंट का, वो डिमिनिश होता है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। अब इसका हम अगर डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजन, दिस इज अ कॉस्ट, दिस इज क्वांटिटी, ये यहाँ पे जाके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। टोटल ये पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे ये पैरेलल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से हमारा रेज हुआ और ये ऐसे जाके यहाँ पे इसके पैरेलल हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हमारा आता है रिलेशनशिप, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में रिलेशनशिप से दिखाने हमने इनके डायग्राम के थ्रू, प्लस हमें मीनिंग तो पता ही है। सबसे पहले आप इसमें अगर आपका क्वेश्चन ये आता है तो आपको पहले डेफिनेशन दे देनी है, ठीक है, आप पहले एक्सप्लेन कर देंगे तीनों को, एक्सप्लेनेशन के बाद आप इसका डायग्राम से इसको डिफाइन करेंगे डायग्राम के थ्रू, और फिर उसका डायग्राम का डिफाइन करने के बाद एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अब हमारी जैसे पता है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहनी है, ये तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारी होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो फिक्स्ड कॉस्ट से तो ऊपर ही आएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के हमारी टोटल कॉस्ट होती है, हमने प्रीवियस अभी ये पढ़ा है, हमारे जो हमारा फॉर्मूला है। तो हमारी कितने से रेज हो रही है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी, हमारी फिक्स कॉस्ट 10 है, तो हमारी 10 से ही रेज होगी, तो ऑलमोस्ट ये पूरा पैरेलल ही, हमारी जो हर बार प्लस 10 हमारी जो यूनिट्स हैं वो रेज हो रही है। तो 10 यूनिट्स रेज होने का मतलब है कि हमारा जो डायग्राम है वो पूरा का पूरा एक पैरेलल डायग्राम बन जाएगा, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया इनके बीच का, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज कॉस्ट। अगर रिलेशनशिप तीनों का पूछता है तो आपको ये डायग्राम बना देना है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ से हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जा रहा है, पहले डिमिनिशिंग रेट से फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद टोटल कॉस्ट का जो हमारा कर्व है वो जाता है, वो सेम पैरेलल बनेगा, क्योंकि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10 है, हर बार हर क्वांटिटी में ये 10 से रेज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम